कोविड-19 से बचाव को लेकर जहां पूरे तरह से सुरक्षा की प्राथमिकताएं दी जा रही हैं, वहीं इस समय खेतों पर पहुंच रहे किसानों को पूरी एहतियात से काम करना होगा। ऐसे में प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अशोक कुमार सरयाल ने कुछ ऐसे उपाय सुझाए हैं जो इस कठिन समय में प्रदेश के किसानों के लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं। कटाई के समय अपना मुंह ढककर रखें, गेहूं के पूले को बांधते समय सुनिश्चित दूरी बनाए रखें, अपने द्वारा काटी फसल को स्वयं अलग रखें और खुद ही बांधें, पूला या गांठ का आकार या वजन कम रखें ताकि एक व्यक्ति स्वयं इसे उठा सके। उन्होंने कहा कि गेहूं या सरसों की कटाई के काम में एक दूसरे की दराती, खुरपे आदि का साझा ना करें। खेत में इस्तेमाल किए जाने वाले कपड़े धो लें और धूप में सुखा लें। उन्होंने कहा कि दूसरे दिन वे कपड़े जो पहले इस्तेमाल किए गए हैं उन्हें ना पहने। खेतों में प्रयोग होने वाले कपड़ों को काम के बाद खुद साबुन या डिटर्जेंट से धोकर धूप में सुखा लें। प्रोफेसर अशोक कुमार सरयाल ने सुझाव देते हुए बताया कि दिन भर कटाई के बाद किसान आमतौर पर बाइक या ट्रैक्टर या अन्य वाहन पर एक साथ खेत में जाते समय व लौटते समय वहीं सभी एक दूसरे के विपरीत दिशा में बैठें, अलग से साइकिल बाइक का प्रबंधन करें तो बेहतर रहेगा। उन्होंने कहा कि किसान दिन में ज्यादा से ज्यादा समय गर्म पानी पिए, गर्म पानी के गरारे करें, पानी के लिए गिलास व अन्य बर्तन अलग अलग ही प्रयोग में लाएं और खेत में काम के बाद साबुन से हाथ अच्छी तरह धो लें। प्रोफेसर अशोक कुमार सरयाल ने कहा कि फसल कटाई का काम खेत के बाहरी घेरे से शुरू करें ताकि अधिक समय तक सामाजिक दूरी बनी रहे। फसल कटाई का काम पूरी बाजू वाली कमीज पहनकर ही करें। स्वस्थ व तंदुरुस्त रहने के लिए लोकल फल, नींबू, संतरा आदि का नियमित इस्तेमाल करें और फल व सब्जी की कटाई के दौरान कटाई के बाद उपयोग में लाए गए थैले आदि का आदान प्रदान ना करें। उन्होंने कहा कि उनको उठाने से पहले और बाद में हमेशा अपने हाथ सावधानी पूर्वक धो लें। खेतीबाड़ी के कार्यों के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने छूट दी हुई है। खेतीबाड़ी के कार्य करते समय इस समय जो गेहूं की, सरसों की और सब्जियों की जो फसल कटाई का खेतों में काम है उसके मद्देनजर रखते हुए किसानों को इस कोरोना महामारी से बचने के लिए जो उपाय करने होंगे उससे विशेषतः जब भी आप गेहूं की खेत काटने जाएं तो हमेशा ध्यान रखें कि आप इकट्ठे खेत ना काटें और खेत को बाहरी किनारे से काटना शुरू करें। एक किसान जो है वो दूसरे से लगभग 4 से 6 फीट की दूरी का अंतराल रखें और जब भी आप गेहूं का काट कर जब पूला बांधते हैं तो इतना बांधें कि एक आदमी उसको उठा सके ताकि दूसरे की आवश्यकता ना पड़े। काटने से काटते हुए जब भी आप थकावट होती है या प्यास लगती है तो पानी के लिए आप जो घड़ा पानी का रखते हैं उसमें हर व्यक्ति जो है अपना अलग गिलास रखे और अपने गिलास से पानी पिए। जब आपने आराम करना तो छाया में बैठते हुए आप दूरी बना के रखिए, कम से कम 4 से 6 फुट दूरी जो है वो रहनी चाहिए एक व्यक्ति से दूसरे तक, और साथ में आप मास्क पहनना ना भूलिए। मास्क बहुत अति आवश्यक है और जब भी आप खेतीबाड़ी के कार्य से घर वापस आते हैं तो आप स्नान करिए साबुन के साथ ये एकदम, और जो कपड़े आपने उस दिन पहने हुए हैं उनको उतार दीजिए, साबुन से धोइए और दूसरे दिन आप नए वस्त्र पहन के खेत में कार्य करें। जिले में या प्रदेश में कर्फ्यू लगा हुआ है वो अभी तक 3 मई तक चालू है और उसके अंतर्गत अगर आप बाहर निकलते हैं तो कर्फ्यू की हिदायतों को आपने उसका अनुसरण करना है और ये ध्यान रखना है कि घर से निकलते आपने मुंह पे मास्क पहनने के बिना बाहर नहीं निकलना है और अपने हाथों को बार बार साबुन से कम 20 सेकंड तक धोते रहना है और अगर आपके पास सैनिटाइजर्स है तो सैनिटाइजर से भी आप हाथों को अपने को साफ करते रहिए। अपने आप से दूसरों से लगभग 6 फीट की दूरी बनाए रखिए और जब भी आप बाहर निकलते हैं खेतीबाड़ी से संबंधित कार्य के लिए कम 4 से 5 व्यक्ति या विशेष समूह में ना निकलें। कर्फ्यू की हिदायतों को मद्देनजर रखते हुए आप विशेषतः इनका ध्यान रखकर आप अपनी खेतीबाड़ी के कार्य कर सकते हैं।